हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 8 सितंबर और मैं जाने वाला हूँ मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जो कि उत्तराखंड में है और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स जा रहे हैं, तो उम्मीद है मज़ा आएगा उनके साथ। तो अभी हम सुबह निकल रहे हैं यहाँ से, आई थिंक टेम्पो ट्रैवलर से जाएंगे। तो मुझे अक्षरधाम जाना है अभी सुबह सुबह, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, 5 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा, अक्षरधाम जाऊँगा और अक्षरधाम से मैं उनको ज्वाइन करूंगा। तो चलते हैं। पंचर हो गया है और अभी हम सड़क पे घूम रहे हैं। अभी हमने पिलकुआ क्रॉस किया है और इंतज़ार कर रहे हैं टायर पंचर बन जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम भी है इधर, तो मेरे साथ है प्रीतम पंडित। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत ही फेमस ट्रैवलर हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। और अभी हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर, ठीक है, क्लब टेन मुक्तेश्वर पाइन लॉन्च के लिए। ट्रैवल ब्लॉगर भी है, फूड ब्लॉगर भी है, फोटोग्राफर भी है, बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे साथ अलग अलग। यस। और अभी तो टायर पंचर हो गया है, पार्ट ऑफ जर्नी, और इसलिए वेट कर रहे हैं पंचर बनने का। अभी कहाँ पे आओ मैं, हम लोग गजेबल पिलकुआ क्रॉस कर चुके हैं, तो चलते हैं फिर आगे। पंचर पे पंचर हो जा रहे हैं और हम बस पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में ही है। कुछ बताइए आज की सिचुएशन के बारे में भाई। आज तो हमने निकले थे करीबन 6 बजे दिल्ली से, और उसके बाद पहला जो मिला हमें फर्स्ट टायर पंक्चर मिला, ठीक है चलता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, गाज़ियाबाद का हमें ट्रैफिक मिला, उसमें फंसे हम लोग। सेकेंड हमारा टायर पंचर और एक बार हुआ, ठीक है, और अभी थर्ड वाला चल रहा है, दिखाओ दो उनको, लाइव चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग मुरादाबाद क्रॉस किए हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि कब आज हम लोग पहुँचेंगे मुक्तेश्वर। लग रहा है कल पहुँचेंगे, उसके बाद आएंगे, कभी वापस आ जाएंगे। आने के टाइम भी अगर ऐसे ही होते रहे, ठीक है। ये रामगंगा है, ये रामगंगा पानी है, ये रामगंगा नहीं। एकदम से ठंड हो गई यहाँ पर अब तो। बस हम अभी पहुँचने वाले हैं मुक्तेश्वर साइड हो जा, करीब 30 किलोमीटर बाकी है और बस थोड़ी देर के लिए रुके हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो
तो हम पहुंच गए हैं फाइनली, और बस थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा, फिर डिनर करेंगे। ये है जहाँ हमें रुकना है। तो पहुंच गए हैं हम, और देखते हैं अभी रूम अपना। तो ये है हमारा रूम, जो कि काफी बढ़िया है। डबल बेड है, ये है टीवी, ये है बाथरूम, और बाहर बहुत ही शानदार नजारा है, जो कि अभी दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो सुबह दिखाएंगे। तो ये है मुझे मिला प्रीतम पंडित का रूम। सब मेरे रूम ही क्यों दिखा रहे हैं? ये वाला रूम सेक्सी है। नहीं नहीं, हम तो सिर्फ हम तो जनता को दिखा रहे हैं कि ये वाला बढ़िया जा रहा है। ये वाला वीडियो प्रीतम का एडवेंचर नहीं है, दिखा रहा हूं ताकि लोग बोले। तो बस चाय वाय पीते हैं और थक गए हैं, मुंह धोते हैं। तो फाइनली आज का दिन यहाँ पर एंड होता है, और जैसे कि आपने देख ही लिया था कि आज हमारी कैसे बैंड बजी है, टायर पंचर के होने की वजह से बार बार तीन बार टायर पंचर हुआ, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए, और जब तक यहाँ पे पहुँचे थे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। हमने थोड़ी बहुत बातें की, एक दूसरे से मिले, इंट्रोडक्शन वगैरह किया, थोड़ी बहुत मस्ती की, और खाना खा के वापस मैं अपने रूम पर आ गया हूँ। तो अभी कल का प्लान ये है कि कल हम यहाँ पर लोकल मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो कल जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद है बारिश ना आए, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो मैं ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाऊंगा यहाँ पर आसपास। और ये जो लोकेशन जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको कल और डिटेल में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है और आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई सजेशन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी ट्रैवल वीडियोस लाने वाला हूँ। और कल जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो होगा मुक्तेश्वर से रिलेटेड, अगर बारिश ना हुई तो। अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।